बेटा आपका अनवी बहुत छोटे हैं लेकिन इनका टैलेंट देखो आप। चाट पापड़ी है, सेव पूरी है। अच्छा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माछली ट्रैवल। आज मैं अपना दूसरा एपिसोड शूट करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं कल रात से ही सोच चुका था और सुबह उठ के ही ब्रेकफास्ट करने के बाद से तैयार हो चुका हूँ, तैयार होकर बैठा हूँ। ये इव्यांका भी तैयार हो चुकी है लेकिन वो जो मैडम है हमारी वो तैयार होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं बस अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। और ये भी थक चुकी है तो ये इव्यांका कह रही है जब तक मैं डांस करूंगी डांस करते हैं। तो इन द मेन टाइम आइए हम इव्यांका का डांस देखते हैं। जी एक फरमाइश और आ गई, गोलगप्पे भी खाने हैं। की खानी है पहले उदय साहब, गोलगप्पे खाने हैं तो हम गोलगप्पे भी खाएंगे। अरे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, थक गए हम तो फाइनली वेट कर करके। कितना टाइम लेती हैं ये औरतें तैयार होने में कहीं जाना हो तो। अगर आपकी भी यही सिचुएशन है, आपको भी वेट करना पड़ता है तो कमेंट पर जरूर बताएं। तो फाइनली ये आ गए हैं आप तैयार होके इतना वेट कराने के बाद। चलो अब चलते हैं बाजार। पहुंच गए हैं मार्केट में, ये मेन बाजार है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये बस स्टैंड भी मेन है यहाँ का। अब देखते हैं गोलगप्पे वाले को, क्योंकि इव्यांका बोल रही कोई कि गोलगप्पे खाने हैं तो थोड़े आगे चल के देखते हैं। इस स्कूल के बिल्कुल सामने ही ये बालाजी चाट भंडार है। तो आइए मिलते हैं भैया से। भैया क्या नाम है आपका? संजय। संजय तो भैया ये क्या क्या बनाते हो? भेलपूरी है, चाट पापड़ी है, सेव पूरी है। अच्छा तो क्या रेट है गोलगप्पे का, क्या रेट है? 30 रुपए या 8 पीस है। अच्छा चाट पापड़ी 30 रुपए, सेव पूरी भी 30 है, भेलपूरी भी 30 है। अच्छा तो ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है इनके पास। ये पापड़ी है, ये भेलपूरी है, ये गोलगप्पे हैं। गोलगप्पे दो हैं सूजी के और आटे के, तो जो भी आप खा सकते हैं सिर्फ 30 रुपये में। मैं आपको नाम एक बार फिर से दिखा दूँ, बालाजी चाट भंडार, जो कि गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बिल्कुल अपोजिट है। तो हमने लिए हैं भैया जैसे चाट पापड़ी और गोलगप्पे। तो आइए पहले देखते हैं इव्यांका गोलगप्पे कैसे इंजॉय कर रही है। और अब भैया की चाट पापड़ी ट्राई करते हैं। इव्यांका पहला बाइट ले रही है चाट का। तो ये इव्यांका कैसी लगी? इव्यांका हैं अच्छी है, अच्छी लग रही है बहुत, है ना? अच्छा तो अब मैं दोस्तों आपके उसके रिव्यू शेयर करूंगा। कैसी लगी? ये मुझसे पूछ रही है इव्यांका कैसी लगी। तो ये काफ़ी डिलीशियस है, मसाले भी एकदम परफेक्ट हैं, ना ज़्यादा है ना कम है, मतलब मीडियम साइज जो है मसाले। मिर्ची चटनी टेस्ट आ रहा है, दही भी परफेक्ट डला। तो एक बारी ये भैया जी की चाट पापड़ी और गोलगप्पे जरूर ट्राई करें जब भी आप मार्केट में घूमने आए। और ये है जी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ग्राउंड, जिसको कि मेले के लिए जाना जाता है।
यहाँ पर होली और दशहरे काफ़ी बड़े मेले लगते हैं। वन ऑफ द बेस्ट ओपन प्लेस फॉर पिकनिक, आप यहाँ पिकनिक का भी आनंद ले सकते हैं, डे आउटिंग के लिए आ सकते हैं। बहुत ही प्रॉपरली मेंटेन किया गया है, क्लीनिंग का, साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा हुआ है। पार्किंग अलाउड नहीं है दोस्तों इनसाइड। ओवरऑल नाइस प्लेस फॉर पिकनिक आउटसाइड। ग्राउंड से निकलने के बाद अब हम आ गए हैं चिल्ड्रन पार्क में, जो हलेड नाम की जगह है, वहाँ पर बना हुआ है। मजे आ रहे हैं? हैं? नहीं आ रहे मजे? तो फिर आपने तो कहा था कि झूला झूलना झूला झूलना। आ रहा ना मजा? दूसरे वाले में झूलना है? स्लाइड में? वहाँ पे टूटी है, स्लाइड टूटी हुई है। उससे गिर भी जाते हैं। और वो दूसरा थोड़ा बड़ा ना, ये स्लाइड जो है इसमें झूलने के लिए कह रही है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा टूटा हुआ है। तो नेक्स्ट वीक आएंगे यहाँ पर ना, फिर झूल लेना। अच्छा ठीक है। किसमें? उसमें तो एक्सरसाइज होती है। यहाँ पर एक और क्यूट सा बच्चा, क्या नाम है बेटा आपका? अनवी। अनवी ये गाइस सो के उठी है, और सो के उठते यहाँ पर झूला झूलने आए। झूला झूलने आए हो? मजा आ रहा है? पर ये बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका टैलेंट देखो आप। गांव के बच्चे और शहर के बच्चों में देखो कितने छोटे बच्चे हैं, और ये किस तरह से ये देखो। ये था मेरा एपिसोड नंबर 2, हमारे हैंग आउट के ऊपर था, हमारी मार्केट के ऊपर था, हमारा डे आउट जो कि एक्चुअल में आफ्टरनून से स्टार्ट हुआ। और मुझे आशा है कि ये भी आपको मेरी पहली वीडियो की तरह पसंद आया होगा। ये बेसिकली मैंने चिल्ड्रंस के लिए बनाया था, बच्चों के लिए, बट थोड़ी कॉमेडी भी थी। आई होप ये भी आपको पसंद आया होगा। और मिलते हैं आप अपने नए एपिसोड में, नई जगह पर, नई जानकारी के साथ। थैंक यू। बाय बाय।